बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हस्बे वादा आज फिर पाक सही कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मीट ए साइंटिस्ट सीरीज़ की अगली एपिसोड के साथ एक नई इल्मो तहकीक की शख्सियत को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मोहम्मद इमरान असद साहब हैं। आप कौन हैं, क्या करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपका कौन सा ऐसा कारनामा है जो आपकी वजह शोहरत बना, आइए इन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर थैंक यू सर। साहब, सबसे पहले आप अपना आबाई इलाका बता दें और आपकी मौजूदा मुलाजमत क्या है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान असद है और मैं तहसील गोजरा डिस्ट्रिक्ट रोबोटिक सिंह से बिलोंग करता हूं और अभी मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर UMT लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। कहाँ गोजरा और कहाँ UMT, जी यहाँ गोजरा, तक कैसे पहुंचे डॉक्टर साहब? ये इब्तदाई तालीम तो जो है, स्कूलिंग जो है वो मेरी एक छोटे से गांव से है जो 306, और फिर उसके बाद मैट्रिक जो है वो मेरा 303 JB से है। फिर उसके बाद 2000 में प्री इंजीनियरिंग जो है वो मेरी गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा से, और BSc डबल मैथ फिजिक्स जो है 2004 में वो भी गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा से मैंने जो है वो किया। उसके बाद ये सफर जो है स्टार्ट हुआ तो मैं कायद अजम यूनिवर्सिटी में MSc इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो है मेरा एडमिशन हुआ 2004 में, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सका था। लेकिन उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की 2005 में, वहाँ से MSc कंप्लीट की और HEC के अंडर टैलेंट फॉर्मिंग स्कॉलरशिप जो है वो विन किया। फिर उसके बाद 2008 में मेरा अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस साइंस में एडमिशन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में PhD में, जहाँ पे मुझे दो तरह की स्कॉलरशिप मिले, एक HSE इंडिजनस स्कॉलरशिप था और एक पंजाब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप था। और डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैंने एज ए लेक्चरर UMP लाहौर को ज्वाइन किया और वहीं पे फिर प्रमोट हुआ अप्रैल 2014 में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब जो है नवंबर 19 से मैं एज ए एसोसिएट अपने वहां पे फ्राइज जो है एज ए टीचर और एज ए रिसर्चर सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं डॉक्टर साहब आपकी वजह शोहरत की तरफ। कौन कौन से अवार्ड्स अभी तक आपको मिल चुके हैं? इसमें दो इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो अभी तक मुझे मिले हैं, जिसमें पहला अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट का अवार्ड है, जो कि मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस ओवरऑल प्रोफाइल बेस्ड था, और ये अवार्ड जो है ये मुझे इंडिया से एक सोसाइटी ने दिया जिसमें मेरे 5 पेपर जो है वो नेचर इंडेक्स जर्नल में थे, जिसमें हमने नैनो टेक्नोलॉजी नैनो फ्लूइड्स के ऊपर काम किया फॉर डिफरेंट सर्फेसेस और उनके बिहेवियर को स्टडी किया। तो उस बेस के ऊपर जो है उस सोसाइटी ने मुझे आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट का अवार्ड जो है 2020 में दिया। उसके बाद 2020 दिसंबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ऑनलाइन बैरूनी यूनिवर्सिटी तुर्की से, जिसमें ऑनलाइन तकरीबन 3,500 के करीब पार्टिसिपेंट थे और उसमें वेल नोन और हाईली साइटेड जो मैथमेटिशियन थे अराउंड द ग्लोब वो सारे वहां पे शामिल थे। तो उस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसने डिफरेंट साइंटिस्ट को जो है वो अवार्ड्स दिए जिन्होंने फ्रैक्शनल कैलकुलस की एप्लीकेशन के ऊपर काम किया। तो मेरा चूंकि फील्ड ही अप्लाइड साइंसेज का है तो मैंने अप्लाइड साइंसेज में फ्रैक्शनल कैलकुलस, जो कि आजकल बड़ा बर्निंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक चल रहा है रिसर्च का, तो उसमें हमने भी बहुत सारी एप्लीकेशंस की। फिर उसके साथ नैनो फ्लूइड्स की स्टडी को डिस्कस किया, तो उस बेस के ऊपर जो हाई रिकग्निशन एप्लीकेशन अवार्ड था वो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मुझे 2020 में दिया। तो डॉक्टर साहब, आपको 5 साल तक मुसलसल टॉप 5% टीचर्स में रहने का अवार्ड भी मिला है। जी तो जी कौन सी ऐसी टीचिंग मेथडोलॉजी है जो आप अप्लाई करते हैं, और हमारी जनरेशन को कामयाब टीचर बनने के लिए क्या नसीहत करेंगे? सर, उसमें ना हमारी UMT की एक पॉलिसी है कि वो एनुअल जो है एक एवेल्युएशन करवाती है, जिसमें टीचर की टीचिंग रिसर्च इंटरनेशनल लिंकेजेस प्रोजेक्ट्स थीसिस सुपरविजन ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं।
ठीक है, और हर साल जब वो अवेल्युएशन होती है तो वो हमें जो है वो ग्रेड असाइन करती है इन तमाम कैटेगरीज के ऊपर, इवन रिसर्च पब्लिकेशन भी उसमें इंक्लूड है। तो उसमें मुसलसल 5 साल से हमारी जो परफॉर्मेंस है मेरी वो एक्सेप्शनल है, जिसकी बेस पर रेक्टर यूएमटी ने लास्ट ईयर में हमें अप्रिसिएशन लेटर भी दिया और टॉप 5% फैकल्टी में इंक्लूड भी किया। वो सिर्फ इसी बेस पे कि हमारी रिसर्च जो है वो बहुत जबरदस्त है, हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी, और जहां तक बात करते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी की, तो उसके लिए वैसे तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई ये टीचिंग मेथडोलॉजी हो, लेकिन जो कॉमन है उसमें हमारे पास होती है कि आप व्हाइट बोर्ड का इंटरेक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं, कोई वहां पे फोटो शेयर करके, कोई वीडियो शेयर करके, ये चीज होती है। फिर एक बिहेवियर मैनेजमेंट होता है कि बीइंग ए टीचर आपने इक्वल बिहेवियर हर स्टूडेंट के लिए कैसे रखना है, क्योंकि अगर आप किसी के लिए भी थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करते हैं तो स्टूडेंट बहुत फील करता है। तो ये जो बिहेवियर मैनेजमेंट है इसको कंट्रोल करने के लिए टीचर को जो है वो बहुत चीजों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा इसके बाद ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज में ला सकते हैं क्लासरूम के अंदर, और दूसरी जो मेरे पास टेक्निक है हो सकता है वो किताबों में ना हो या कहीं पे किसी ने उसके ऊपर बात ना की हो, वो है कि मैं स्टूडेंट का रिगार्ड करता हूँ, यानी एक रिस्पेक्टिंग रिलेशन उनके साथ पहली क्लास में बिल्ड करता हूँ, जिससे वो पूरी क्लास के दौरान या पूरा सेमेस्टर ही मेरे साथ बड़ा लिहाज रखते हैं। यानी अगर वो कोई भी कोई क्लास में शरारत करता है तो मैं सिर्फ जस्ट उसकी तरफ देखूंगा, तो वो इसी रिगार्ड की वजह से दोबारा वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। यानी मेरा मतलब ये हुआ कि मैं स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे क्लास मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, ये क्योंकि खुद क्लास में आप स्टूडेंट की अटेंशन जो है उसको आप कैसे कैच कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हर स्टूडेंट को कैसे इंगेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास है कहाँ, क्यों और कैसे, ये 3 वर्ड हैं जिनको मैं यूज करके, यानी जब मैं क्यों या कैसे और कब की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, जिसको मैं स्टूडेंट की तरफ करूंगा तो स्टूडेंट उसके ऊपर अपना माइंड यूज करना शुरू कर देगा और बाकी एक्टिविटी की तरफ या बातों की तरफ ध्यान उनका कम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि क्लास का जो बिहेवियर है और मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब ये मेरे लिए भी बहुत अच्छे टिप्स हैं। अच्छा, आपको आपको जो बेस्ट टीचर का अवार्ड है ये ना सिर्फ आपकी टीचिंग पे है बल्कि रिसर्च पे भी ये बेस कर रहा है, तो आपका पीएचडी का थीसिस किस टॉपिक पे था, और यानी बिल्कुल सादा अल्फाज में आप हमारी यंग जनरेशन को क्या बताएंगे इसके बारे में? सॉरी रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आपका जो पीएचडी का थीसिस है वो किस टॉपिक पे था? जी जी, निहायत सादा अल्फाज में आप बता दें। जी जी बिल्कुल, ये फ्लूइड मैकेनिक्स पे मेरा थीसिस था, जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग की एक कॉमन आप ब्रांच कह सकते हैं इसको, और ये अप्लाइड किस्म का एक सब्जेक्ट है जिसके हमने थ्योरेटिकल स्टडी की और उसमें हमने फ्लूइड्स को कंसीडर किया। फ्लूइड्स चूंकि एक बहुत बड़ी क्लास है तो उसमें हमारे पास न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो है वो भी आते हैं, तो इसमें जो बिगर क्लास है वो हमारे पास होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, और उसमें आगे जाके हमारे पास है डिफरेंशियल टाइप फ्लूइड्स, रेट टाइप फ्लूइड्स और इंटीग्रल टाइप फ्लूइड्स। तो इसके दरमियान में जो रेट टाइप फ्लूइड्स हैं ये चूंकि इनका इंडस्ट्रियल में बड़ा यूज होता है, जैसे कि आप पॉलीमर्स को देख लें तो इनके हमारी इंडस्ट्री में, हमारी इंजीनियरिंग में, हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में, हर जगह पे ये हमारे फ्लूइड्स जो हैं ये यूज होते हैं। तो मेरा थीसिस जो है वो रे टाइप फ्लूइड्स पे था, ठीक है, और उसमें हमने रे टाइप फ्लूइड्स के लिए डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए सिलेंड्रिकल डोमेन में प्लेट्स के ऊपर, बिटवीन टू प्लेट्स के ऊपर हमने फ्लोज को डिस्कस किया, ठीक है, और उनके मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद हमने उनके बिहेवियर को कि फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा, उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा किस पैरामीटर के इफेक्ट से होगी, हमने उसको स्टडी किया। डॉक्टर साहब मेरी, मैंने रिक्वेस्ट तो की थी आपसे कि इंतहाई सादा अल्फाज में, लेकिन मुझ जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए स्टिल इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। मिसाल के तौर पे मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है, क्या एप्लीकेशन है इसकी? सर मैथमेटिकल मॉडलिंग ये है कि आप मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है इसको आप कंबाइन करके एक सिस्टम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं, और अगर हम इस प्रोसेस को देखेंगे तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको पहले जिस फिनोमिना को,
जो भी आपका फिजिकल फिनोमिना हो उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो आप बेटर उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो कर सकेंगे। जैसा कि अगर आपने कोई चीज जमीन पे फेंकी है तो मैंने इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, वो हीट अप हो रहा है, ठीक है, आप बारबेक्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो एक अंडे को बॉयल करना चाह रहे हैं, आपने एक कोल्ड कॉफी का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये सारे फिजिकल फिनोमिना है, तो इन सबको जो है वो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनका मैथमेटिक्स बना सकते हैं। और ये हीट ट्रांसफर जो फिनोमिना होते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, उन सब में यही चीज होती है, ठीक है। इवन अगर आप सन बात कर रहे हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी में बैठे हुए हैं, तो हम उसको भी मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कैसे वो थर्मल रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आप तक पहुंच रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एसी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको ठंडी हवा आ रही है, ठीक है, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि एसी पहले जो है वो बहुत महंगे भी होते थे और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये सोचा कि हम इसकी जो एफिशिएंसी है उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं, तो उन्होंने इसकी जो वाइंडिंग है उसको उन्होंने जो ऑक्साइड मेटल्स होती हैं उनके साथ, यानी सिल्वर कह लें, कॉपर कह लें, तो उनकी उन्होंने वाइंडिंग कर दी, जिससे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी या उसकी एफिशिएंसी जो वो बढ़ जाती है, ठीक है, और वो हमें बेटर परफॉर्म करता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इंजीनियर जो है, इन्होंने ये सोचा कि भी अगर हम इसमें हीटिंग इफेक्ट भी दे दें, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट तो है ही है, तो उन्होंने एक इन्वर्टर बना दिया कि एक ही मशीन है जो एट द सेम टाइम दो प्रोसेस परफॉर्म करती है, और आपको उसका हो सकता है कि अगर एसी जो 50,000 का है तो आपको 60 तक कर दे, लेकिन दो इफेक्ट ऐड कर दिए, तो एक ही मशीन के अंदर दोनों इफेक्ट ऐड कर दिए, जिससे आपको और फैसिलिटेट कर दिया और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर दिया। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनका काम ये होता है कि सोसाइटी को आप कैसे फैसिलिटेट करें। तो इसको भी हम, ये सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस सारे प्रोसेस को हम जो है मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सारे प्रोसेस जो कन्वर्ट हैं ऑलरेडी, यही ट्रांसपोर्ट जो फिनोमिनाज हैं हमारे पास इनके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आपने टर्म्स यूज की हैं न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इनको ये कहें कि इनकी स्टडी, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जी, पहले तो हम क्लासिफाई कर लेना कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं। ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि लेस विस्कस होते हैं, उसमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं मैथमेटिकल, अगर उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो पानी जैसे हमारे पास, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, एयर है, ठीक है, गैसोलीन है, ये हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब इनकी एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम मायोनीज की बात करें, हम केचप की बात करें, हम हनी की बात करें, ठीक है, हम लिक्विड, कोई और थिक लिक्विड, कोई ऑयल या इंजन ऑयल की बात करें, तो वो इससे ज्यादा थिक होते हैं, यानी उनकी थिकनेस ज्यादा होती है, उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आप गाड़ी में पानी डाल के गाड़ी को चलाना शुरू करें, ठीक है, चूंकि पानी है, पानी की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इंजन स्टार्ट होगा, पानी उस हीट को अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, तो आपकी गाड़ी, आपका इंजन जो है वो खराब हो जाएगा। इसके बरक्स अब आप उसमें इंजन ऑयल जो कि थोड़ा सा थिक होता है, उसमें कुछ ऑक्साइड्स या मेटल ऑक्साइड्स उसमें मिक्स करके उसको थिक बनाया जाता है, तो जब आप वो गाड़ी में चलाएंगे, गाड़ी में डाल के वो आप उसको चलाएंगे, तो फिर वो जो है जो इंजन से हीट जनरेट होगी उसको अब्सॉर्ब करेगा और आपकी गाड़ी जो है वो चलती रहेगी। लेकिन उसमें भी लिमिट होती है कि ये वाला ऑयल जो है ये 3000 किलोमीटर तक चलेगा, ये 5000 किलोमीटर तक चलेगा। लेकिन अगर उसके बरक्स जो कि अगर आपको कहा जाए कि एरोप्लेन है, उसका इंजन ऑयल जो है आप किसी गाड़ी में डाल दें, इंजन ऑयल जो एरोप्लेन है उसका ऑयल तो बहुत थिक होता है, उसकी तो बहुत हाई विस्कोसिटी होती है और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसको गाड़ी के इंजन में डाल के चले तो हो सकता है 50,000 किलोमीटर तक हम चलाते रहें तो हमें चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सारी टाइप्स जो है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की हैं, और इंडस्ट्री के अंदर और हर जगह पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो है कंपैरेटिवली न्यूटोनियन फ्लूइड के ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। सही सही डॉक्टर साहब, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, होपफुली हमारे जो यंग रिसर्चर्स हैं वो भी, उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें।
फिर डॉक्टर साहब आपने एक टर्म यूज की है, मैक्सवेल हाइब्रिड नैनो फ्लूइड, यानी मैं आपका रिसर्च देख रहा था उसमें आपने यूज किया, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? अच्छा, हाइब्रिड का पहले मतलब हम जो है वो देख लें कि अगर आप एट द सेम टाइम कोई ए दो तीन करेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिला के किसी के ऊपर आप उसको डिस्कस करेंगे तो वो चीज हाइब्रिड बन जाएगी। हाइब्रिड मीन थोड़ी स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। अब मैक्सिवल जो है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है और ये रेड टाइप कैटेगरी में आता है, और इसमें हमने नैनो फ्लूइड्स को जो है वो ऐड किया। अब वो कैसे ऐड किया कि जितनी भी हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स, अगर हम एक मेटल ऑक्साइड्स के नैनो साइज पार्टिकल जो हैं उनको बेस फ्लूइड के अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास होंगे नैनो फ्लूइड्स। और अगर हम दो तरह की मेटल ऑक्साइड्स यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, दो अगर मेटल ऑक्साइड्स एट द सेम टाइम हम उस बेस फ्लूइड में ऐड करेंगे तो वो उसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेस फ्लूइड की, यानी वाटर अगर हम बेस फ्लूइड ले लेते हैं, अब उसकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेकिन जैसे ही हम ये दो टाइप्स के मेटल ऑक्साइड्स उसमें मिक्स करेंगे, नैनो साइज पार्टिकल उसमें सस्पेंड करेंगे, तो वो उसी बेस फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इनहेंस कर देगा, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी को इनहेंस कर देगा, हीट कैपेसिटी को बढ़ा देगा, उसकी जो डेंसिटी है उसको वो इंक्रीज कर देगा। तो इस वजह से इनको हमने हाइब्रिड का नाम दिया। सही डॉक्टर साहब, बस आखिरी कुछ सवाल आते हैं, आप कितने रिसर्च जर्नल्स के रिव्यूअर और एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हैं? उसमें तकरीबन कोई 30 के करीब ऐसे बड़े अच्छे जर्नल्स हैं जिनका मैं रिव्यूअर हूँ, जिसमें आई ट्रिपल ई एक्सेस है, कोहेस फ्रैक्टल सॉलिटॉन्स है, फ्रैक्टल्स है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ऐसे बहुत सारे जो है वो अच्छे जर्नल्स हैं जिनका मैं रिव्यूअर हूँ, और उसके बाद कोई 7 ऐसे जर्नल्स हैं जिनका मैं एडिटोरियल मेंबर हूँ, जिसमें ओपन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फ्रैक्शनल कैलकुलस है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड नॉन लीनियर है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हीट एंड टेक्नोलॉजी है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के 7 इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जिनके एडिटोरियल बोर्ड में मैं इंक्लूड हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ कुछ हॉबीज भी हैं कि नहीं? हॉबीज जो हैं वो मेरी सारी जो हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड ही हैं, और जिसमें मेरा ज्यादातर इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट को गाइड करने में, उनकी काउंसलिंग करने में और उनके साथ मैक्सिमम टाइम गुजारने में ही सारी एक्टिविटीज है मेरी। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद और इस एज तक पहुंचने के बाद, अब बहुत सारे लोगों से भी हमने ये सुने कि ये एहसास होता है कि आपने सोसाइटी को क्या डिलीवर किया, ठीक है, यानी काम तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारी वजह से सोसाइटी को क्या मिल रहा है, कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब मैंने उसके ऊपर काम किया है, यानी मैं उसमें स्टूडेंट की फ्री काउंसलिंग करता हूँ, एडमिशन गाइडलाइंस देता हूँ, स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, जिसके लिए मैंने एक अपना फेसबुक पेज बनाया जिसके ऊपर हर तरह की अपडेट इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें स्पेशल इशू की इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, और उसके बाद उनके लिए सेपरेट मैंने टाइम रखा हुआ है काउंसलिंग का, और स्टूडेंट जो है किसी भी वक्त मुझे कॉल करके मैसेज करके उससे रिगार्डिंग अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन वो मुझसे ले सकते हैं। तो मैं अब यही चाह रहा हूँ कि मैं सोसाइटी को कुछ इस तरह से डिलीवर करूँ जिससे आम लोगों तक चीजें पहुंचे भी और उनको फायदा भी हो, ठीक है। उसमें हमारे पास ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान में पहुंचने तक बड़ी लेट हो जाती है, ठीक है, यानी जैसे कि ग्राफ थ्योरी पे अब पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन 2008 से पहले इस फील्ड के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि यानी मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसा कोई फील्ड है या नहीं है, लेकिन 2008 में ये अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में ग्राफ थ्योरी के कोई बाहर के एक प्रोफेसर आए, उन्होंने यहाँ पे ग्राफ थ्योरी का फील्ड इंट्रोड्यूस किया, उन स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया पीएचडी में, अब वो स्टूडेंट जो है वो जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां ग्राफ थ्योरी का सब्जेक्ट जो है वो लेके जा रहे हैं। तो ये इस चीज की भी जरूरत है कि इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन सी चीज है जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, वो इन टाइम या टाइमली हम तक पहुंचे भी, तभी हम उसके बारे में कुछ जान सकेंगे। अच्छा डॉक्टर, तो वो चीजें जो आपने पहुंचाने में भी हेल्प करता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, आपने खुद पाकिस्तान से पीएचडी की है,
जी जी नॉर्मली हम लोगों को देखते हैं, कंप्लेन करते हैं सिस्टम के बारे में, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान में रिसर्च के हवाले से सहूलियात जो हैं उनके बारे में? देखिए, मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है जहां से हमने की है, वहां पे अगर हम टीचिंग की फैसिलिटी की बात करें तो हमारे पास अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में जो टीचर थे वो रिनाउंड टीचर थे, जो कि जिनका तल्लक जो है वो जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, रोमेनिया से, मलेशिया से, तो डिफरेंट कंट्रीज के वहाँ प्रोफेसर जो हैं वो एज ए टीचर, एज ए सुपरवाइजर जो है वो आते थे। तो हमारा तो इंटरेक्शन जो है और हमारा जो तरीका कार है वो काफी डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल जो मैं इंटरेक्शन करता हूँ किसी ऐसे बंदे से जो बाहर से पीएचडी करके आया है, तो फैसिलिटीज के हवाले से जब कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में फैसिलिटीज जो है वो यूं ही समझ ले ना होने के बराबर है। देखिए, बीइंग ए मैथमेटिशियन, अगर हम मैथमेटिक्स के लोग हैं तो हमें तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो लैब वर्क करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल जिनका वर्क है, उनके लिए फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें हमारे पास अगर कहीं पे लैब्स हैं, पहले तो है नहीं कहीं पे, लेकिन अगर कहीं पे हैं तो वहां पे ऑपरेटर्स नहीं है। ठीक है, और अगर ऑपरेटर्स नहीं है तो जब बच्चों को लैब में भेजा जाता है प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना जो सामान है वो खुद खरीदते हैं। ठीक है, और इसमें बड़ा हाथ जो है वो हमारी एचईसी की गलत पॉलिसीज का है। ठीक है, वो जो है वो देखे, अब जो बाहर से बंदा पीएचडी करके आ रहा है उसको पाकिस्तान में रख नहीं रहे, उनके लिए पोस्ट डॉक ऑफर कर रहे हैं कि भाई तुम फिर बाहर चले जाओ, और उनको अच्छा, यहाँ पे नहीं एडजस्ट ही नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बंदा पीएचडी कर रहा है, आप पीएचडी के क्वालिटी, आप क्वालिटी ऑब्जर्वर भी हैं पीएचडी थीसिस के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान से बंदा पीएचडी कर रहा है उसकी क्वालिटी का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कोई फॉरेन क्वालिफाइड पीएचडी होता है उसका? मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है मैं उसके बारे में आप लोगों को ये बताऊंगा कि जहां तक स्टैंडर्ड की बात है तो जो एचईसी ने स्टैंडर्ड किया है डिसाइड पीएचडी के लिए, तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो उस क्राइटेरिया को तो मीट करते हैं। ठीक है, यानी इंटरनेशनल रिव्यूअर होते हैं थीसिस के, फिर उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं, फिर लोकल पीपल जो हैं वो उसको एवेलुएट करते हैं, और उसका डब्ल्यू कैटेगरी का पेपर होना चाहिए, तो जो मिनिमम क्राइटेरिया एचईसी सेट करते हैं उसके मुताबिक तो वो एक स्टैंडर्ड है। लेकिन जहां तक बात है बेसिक मैथमेटिक्स की, ठीक है, वो उसमें बड़ा मसला है। बेसिक मैथमेटिक्स जो है, अगर किसी के पास बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो वो एक अच्छा रिसर्चर बनेगा, क्योंकि रिसर्च के अंदर जहां तक मैंने देखा है सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही यूज होते हैं मैथमेटिक्स के, कोई और बड़ी चीज नहीं है। तो जिसका बेसिक मैथ जो है वो स्ट्रांग होगा वो एक अच्छा रिसर्चर भी बन सकेगा। जैसा कि मैं दो तीन चार लोगों से मिला हूँ जिन्होंने बाहर से पीएचडी की है, तो वो यहाँ आके वो कैलकुलस भी नहीं पढ़ा सकते, बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी चाइना से कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो पीएचडी करके आए हैं, तो आते ही अगर हमने उन्हें कह दिया ना, 12 12 13 13 पब्लिकेशन हैं उनकी, तो अगर हम उनको ये कह देना कि ये कैलकुलस पढ़ाएं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट को, तो वो ये नहीं पढ़ा सकते। जब हमने एसएमएस में पीएचडी की तो हमारे लिए इन्होंने इंटरनेशनल जीआरई जो है, जो कि सारा बेसिक मैथ होता है, वो लाजमी कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें जीआरई के लिए लाजमी किया, तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर ड्यूरिंग पीएचडी बहुत स्ट्रेस दिया, बहुत जोर लगाया, और जिसकी वजह से हमें बेसिक टीचिंग में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल मसला नहीं है। तो जीआरई इंटरनेशनल के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स था जो हमने तैयार किया, जो अभी हमारे बड़े काम आ रहा है, हमें सब्जेक्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो मेन चीज ये है कि जो बाहर से पढ़ के आता है वो रिसर्च तो कर आता है, लेकिन यहाँ पे टीचिंग में आके वो उसको बड़े प्रॉब्लम होते हैं, वो इवन कैलकुलस तक नहीं सही पढ़ा सकता। क्यों? मैथमेटिक्स जो है बेसिक्स वो अच्छा नहीं है। तो किसी डॉक्टर हद साहब, तक आपका क्वालिटी हमारे पाकिस्तान की पीआईडी की ठीक भी है और किसी हद तक उसमें प्रॉब्लम्स भी है। यानी टीचिंग के हवाले से देखें तो बेहतर है, रिसर्च के हवाले से थोड़ा पीछे है। हाँ जी अंडरस्टूड डॉक्टर साहब, जी आपका बहुत टाइम लिया हमने ऑलरेडी, लेकिन हम आपको नसीहत के बगैर जाने नहीं देंगे। आप क्या नसीहत करेंगे उन लोगों के लिए, उन यंग रिसर्चर्स के लिए जो खास तौर पे मैथमेटिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं, उनके पास क्या ऐसी बेसिक नेसेसरी स्किल्स हैं जो उनके पास होनी चाहिए? जो नेसेसरी स्किल है उसमें मैं तो बेसिक मैथमेटिक्स पे एक तो जोर दूंगा कि वो अपना बेसिक मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छा करें,
उसके बाद जिस फील्ड में भी वो रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई अच्छी बुक्स जो हैं वो लाजमी स्टडी करें। मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है उसमें ये होता है कि जो बच्चा पीएचडी में आता है रिसर्च करने के लिए उसको एक पेपर थमा दिया जाता है और वो बच्चा सिर्फ पेपर पे काम करता रहता है और इवन के उसको पेपर बनाने का ट्रिक भी बता दिया जाता है और पेपर भी पब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे पूछ लें कि इस फील्ड के बारे में कोई तीन इस फील्ड की कोई तीन बुक्स बता दें तो वो नहीं बता सकता क्योंकि उसने बुक्स तो पढ़ी नहीं है। वो तो पेपर उसको दिया गया, उसने पेपर उससे रिलेटेड लिटरेचर से पढ़े, ठीक है, और पेपर बना लिया और उसने पेपर बनाने की टेक्निक सीख ली, लेकिन वो जो बेसिक चीजें उसके पीछे जो फिजिक्स है वो सारी तो बुक्स के अंदर होती है कि भाई अगर ऐसा बिहेवियर आ रहा है, ऐसा रिजल्ट आपके पास आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसकी वजह जो है वो बुक्स के अंदर होती है। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि जिस फील्ड में भी आप रिसर्च करना चाहते हैं उस फील्ड की कम से कम तीन अच्छी बुक्स जो है वो अपने टीचर से कंसल्ट करके उनको लाजमी स्टडी करें। उस पर बेशक जो है टाइम 6 माह लग जाए, साल लग जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने ये भी चीज देखी है कि हमारे जो स्टूडेंट है पीएचडी के वो बहुत जल्दी में हैं कि किसी तरह से जल्दी जल्दी पीएचडी हो जाए बस, ठीक है, वो पढ़ने की तरफ उनका वो रुझान जो है ना वो मैं नहीं देख रहा। तो मैं उनको ये भी कहूंगा कि उसमें जल्दबाजी आप ना करें। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपने अपने टीचर की अपने इंस्टीट्यूशन की रिप्यूट जो है वो बिल्ड करनी है। उसके अलावा जो इनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इनको जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके साथ आपका जो है इंटरेक्शन होता ही होता है उसमें हमारे पास मैपल है, मैथमेटिका, मैटलैब, मैथकैड, ये इनको आने चाहिए। उसके साथ साथ जो आजकल जदीद काम हो रहा है या जिसके लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर यूज भी कर रहे हैं, इवन कंप्यूटर साइंटिस्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें दो चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो बहुत सारा इसके अंदर सारा मैथमेटिक्स यूज होता है तो उसके ऊपर भी ध्यान दें क्योंकि वो आने वाला दौर है, आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, उनको आप लाजमी लर्न करें, ठीक है, ताकि आप ओवरऑल जो है पूरी सोसाइटी के साथ वर्ल्ड वाइड आप उस स्टैंडर्ड को भी मीट कर सकें, ठीक है। क्योंकि मैं एक दो लोगों को जानता हूं जो बाहर पीएचडी के लिए गए तो उनको थीसिस लिखने में बड़ा मसला आ रहा था, तो 2 साल उन्होंने इस थीसिस लिखने पे, लैटेक्स को समझने पे, सॉफ्टवेयर को समझने पे लगा दिए। तो जब उनका एक तीसरा दोस्त जो पाकिस्तान में था तो उन्होंने उसको नसीहत की कि भाई एमएस में अच्छी रिसर्च करना सीख लेना, किताबें पढ़ना, पेपर एक्सप्लोर करना, राइटिंग स्किल, सॉफ्टवेयर सीख के आना, वरना तुम 1 साल नहीं 2 साल यहाँ पे लगा दोगे। तो जब उसका वहां पे एडमिशन हुआ तो जाते ही उसने अपने सुपरवाइजर को जब एक पेपर लिख के दिया कि हाँ जी सर ये चेक कर रहे हैं, तो उसने उसके सर के कमेंट्स ये थे कि ये तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो देखिए टाइम कितना गैप आ गया, वो जो लोग जिन्होंने कुछ नहीं सीखा था, कोई लैंग्वेज नहीं सीखी थी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीखा था, उनको वही चीज सीखने में 2 साल लग गए, लेकिन जिसने एमएस में ये सारी चीजें लर्न कर ली थी उसने अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लिया। तो यही चीजें कि सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस जो है ये बच्चों को आनी चाहिए, इनको सीखने पे कम से कम अपने एमफिल स्टडी के में इसको लाजमी सीख लें, कम से कम थोड़ी हाउ ना हो इनको होनी चाहिए इसमें। जी बिल्कुल, अगर आपकी बात को मैं मुख्तसर करना चाहूँ आपकी नसीहत को तो 2-3 अल्फाज में मैं यूं कह सकता हूँ कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, आपको पीएचडी में टाइम देने की जरूरत है, नंबर एक। दूसरा, आप बेसिस को स्ट्रॉन्ग करें ताकि इमारत अच्छी बने, और बेसिस को लर्न करने के लिए आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज के लेक्चर के लिए, आपने टाइम दिया हमें, हमने आपका काफी टाइम लिया। आगे बढ़ते जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है हमारे नौजवान रिसर्चर्स के लिए आज का सेशन बहुत मुफीद हुआ होगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।